का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम। वी बिलीव इन वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज फैमिली। दिस इज इन अवर डीएनए, दिस इज इन अवर जेनेटिक सिस्टम। किसानों का आत्महत्या बढ़ता जा रहा है, इसका कारण यही है कि वो जीरो बजट फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। वो युद्ध के अंदर जितने जवान मरे हैं उससे ज्यादा मेरे देश के किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है। रसायन मुक्त खेती करनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ खेती करने वाले कितने हैं, हाथ उठाइए। आर्ट ऑफ लिविंग तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से कोई मार्केट आपके साथ संपर्क में करने जैसे करेंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में हम उभारें और विश्व के मार्केट पर कब्जा करने के लिए भारत सरकार की तरफ से उनको मदद मिले तो वहां दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सुंदर सुभद्र दिव्य समाज की रचना हमें करनी है। रसायन मुक्त खेती, नशा मुक्त जीवन, झगड़े झंझट विवाद रहित उत्सव का माहौल बन जाए तो वो आदर्श गांव का हम ऐलान कर सकते हैं। गांव की सफाई हम खुद देखेंगे। हमारे देश में इस तरह का उत्साह जगे तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन के निखरेगा। मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में कोई भी गांव पसंद कर ले और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। यदि आप लोगों में से 5-6 लोगों की टोली बनाओगे, रविवार को 2 घंटे आप समय दोगे अपने ही मुल्क में सफाई के लिए, एक नया लहर उठेगी सेवा की। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। लोगों को एजुकेट करेंगे, फूल और फल के सिवाय और कोई चीज उसमें नहीं डालेंगे। जमुना जी में मूर्ति वगैरह विसर्जन में बहुत ख्याल रखने का, इसके लिए लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करना है। भाई बहनों, गंगा के आरंभ से लेकर के आखिर तक माँ गंगा जो चीख चीख करके कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। एक कन्या का हत्या करने से 1000 संत का हत्या करने जैसे पाप हो जाता है। आप माता की इतना आराधना करने वाले संस्कृति में इस तरह का हरकत चले, ये शर्मनाक की बात है। 21वीं शताब्दी में माँ के पेट में ही बेटी को मार दिया जाए, बेटी होने वाली इसलिए गर्भपात हो, और इस पाप को कराने में न पुरुष पीछे रहते हैं न माँ पीछे रहती है। वो नक्सल ग्रस्त इलाके में हम गए थे औरंगाबाद जिले में, जो तरीका उन्होंने अपनाया ये ठीक नहीं है। अब वो समझ रहे हैं हिंसा से नहीं होने वाली है बात। कोई माओवादी होंगे, कोई आतंकवादी होंगे, वो किसी न किसी का तो बेटे हैं। मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके बेटे से कभी इस रास्ते पर जाने से पहले पूछा था कभी आपने? ना रिश्वत देंगे ना हम रिश्वत लेंगे। क्षेत्र में भारत की अहमियत, सबसे पहले भारत का अध्याय, दूसरे नंबर में भारत के टाइम टेस्टेड जो मेडिकल सिस्टम है आयुर्वेद, तीसरा यहाँ का वेशभूषा, चौथा भोजन, फिर टूरिज्म और आईटी इंडस्ट्री। इस तरह के ये 7 क्षेत्र में भारत अपना ये अद्भुत प्रगति कर चुकी है, उसका प्रदर्शन हम कर सकते हैं। हमारा सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में ये बात पहुंचनी चाहिए, मेड इन इंडिया। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं।